नमस्कार वर्ल्ड इमिग्रेशन न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं रज शर्मा एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे सारे दर्शक मेरे सारे भाई बंधु ठीक ठाक होंगे। आज बड़ी खबर आई दोस्तों ऑस्ट्रेलिया वीजा को लेकर। काफी समय से आप सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इंडियंस के प्रति और बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रति इमिग्रेंट्स के प्रति एक बहुत ही कड़ा रुख अपना रखा था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एक नई वीजा पॉलिसी लॉन्च करी है और इस वीजा पॉलिसी के तहत 462 कैटेगरी इस वीजा का नाम दिया गया है। पहले भी चल रहा था लेकिन अब थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने लॉन्च करके दिखाया, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ट्रेड पॉलिसीज में कुछ समझौते हुए थे। इसको देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने वीजा के प्रति कुछ नरमी दिखाई कि हम चाहते हैं कि इंडियंस यहाँ पर आए। और इस वीजा का नाम दिया गया दोस्तों हॉलीडे वर्क वीजा। पहले भी ये था परंतु अब कुछ नरमी बरता दी गई और एप्लीकेंट बढ़ा दिए गए हैं। हॉलीडे वर्क वीजा के तहत जो इंडियंस वीजा अप्लाई करते हैं और आप अगर जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए तो आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप घूमने के साथ साथ वहां काम कर सकते हैं। उसकी जो शर्तें रहेंगी वो गाइडलाइंस आपको बता दी जाएंगी, लेकिन हॉलीडे वर्क वीजा के तहत सबसे बड़ा फायदा उसको होगा जो घूमने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया अपनी ट्रिप के दौरान। आप अपनी ट्रिप को सपोर्ट कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। ये तीन कंट्रीज के लिए दोस्तों, वियतनाम, चाइना और इंडिया, अभी इंडियंस के लिए चल रहा है। वियतनाम और चाइनीज ऑलरेडी पहले से ही इस पॉलिसी को ले रहे हैं लेकिन कम लेवल पे, लेकिन अब वियतनामियों के लिए बढ़ा दिया जाएगा कोटा। तीनों कंट्री के लिए अलग अलग कोटा है। चाइनीज स्टूडेंट्स बहुत बड़े लेवल पे पढ़ने आता है ऑस्ट्रेलिया में, इंडियन स्टूडेंट्स बहुत बड़े लेवल पे पढ़ने आता है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने पीछे कुछ जैसे बयानबाजी आ रही थी वहां के इमिग्रेशन मिनिस्टर की कि हमने ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स के लिए वीजा बंद कर दिए हैं, बहुत कम हम फाइल्स को लेंगे, फाइल की रिजेक्शन बहुत ज्यादा दी जा रही थी। इवन टूरिस्ट वीजा में भी बहुत ज्यादा रिजेक्शन आ रही है, कारण कि ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि हमारे यहाँ पर इमिग्रेंट्स ना आए। और ऑस्ट्रेलिया को यूरोप का हाल देखकर एक डर सता रहा है कि यार लोग हमारे यहाँ पे आकर कहीं ये ना हो कि आकर सीधा स्टडी लगा दें, घूमने आए, स्टडी का छोटा सा कोर्स लगाया और बैठ गए। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा कड़ा रुख अपनाया, लेकिन अब नई जो ट्रेड पॉलिसीज आई हैं 2024-25 के तहत ऑस्ट्रेलिया ने एक बैलेट लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया न्यू हॉलीडे वर्क वीजा फॉर इंडियंस एंड सिटीजन ऑफ चाइना एंड सिटीजन ऑफ वियतनाम। तो ये तीन कंट्री के लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन भी रख दिया है, कितने वीजा मिलेंगे, एक कोटा रख दिया, सिर्फ और सिर्फ 1000 वीजा मिलेंगे पर ईयर इंडियंस को। यानी कि एप्लीकेंट्स होंगे लाखों लेकिन वीजा मिलेगा सिर्फ 1000 लोगों को। वो 1000 में पारदर्शिता रखी जाएगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के तहत आपकी पूरी डिटेल चेक की जाएंगी। एक साल का वीजा रहेगा, इस एक साल के वीजा के तहत आप कहीं भी फॉरम वर्कर में काम करें, जो आपकी जो क्वालिफिकेशन है अगर आपको एम्प्लॉयर उसके तहत हायर करता है, काम कीजिए, पैसा जोड़िए, पैसा कमाइए और इंडिया वापस आ जाइए। बहुत बढ़िया तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन एक कहते हैं कि 100 दुखों के साथ एक सुख की खबर मिल जाए, एक खुशी की खबर मिल जाए, तो वो आप कह सकते हैं कि जख्मों पे थोड़ा सा मलहम लगा दिया ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। एक साइड तो खंजर मार के जख्म दे दिए, एक साइड भारतीयों को खुश करने के लिए थोड़ा सा मलहम लगा दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सरकार की जो कमाई मोटी कमाई है वो स्टूडेंट वीजा से चलती है इसीलिए। परंतु चक्कर क्या है कि हमारे स्टूडेंट्स की भी गलती है, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने के बहाने आते हैं और पढ़ते नहीं है यार, कोर्स मास्टर में एडमिशन लेते हैं और कोर्स चेंज करवा लेते हैं स्किल्ड कैटेगरी में। यही वजह सरकारों को अपने रूल चेंज करने पड़ते हैं। दूसरी बड़ी बात है, अगले साल ऑस्ट्रेलिया में चुनाव है, इस करके ऑस्ट्रेलिया ने अपने खुद के सिटीजन्स को खुश करने के लिए ये चूड़ी टाइट कर रखी है, वीजा में रिजेक्शन दे रहे हैं, इमिग्रेंट्स को नहीं आने दे रहे, क्योंकि उन्हें दोनों साइड बैलेंस करके चलना है। क्योंकि जो कुर्सी होती है ना, चार टांगों वाली कुर्सी, उसमें जो राजा सिर्फ साके बैठा होता है, तो सबसे पहले उसे देखना पड़ता है कि मुझे सरकार चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो वो अपने वोटर्स को नहीं, उनके लिए उनके वोटर्स पहले हैं, ना कि इमिग्रेंट्स। लेकिन जो ट्रेड पॉलिसीज होती हैं अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड पॉलिसीज, उसका भी ध्यान रखना है। तो वही कह सकते हैं एट द एंड आके एक छोटा सा लॉलीपॉप दे दिया इंडियंस को हॉलीडे वर्क वीजा, लेकिन इसका फायदा मिलेगा जो घूमने जा रहे हैं, वहां जाकर आप पैसा भी कमा सकते हैं। और इसकी जो पॉलिसीज के तहत आप कैसे अप्लाई करें, आप इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया के पोर्टल पर जाएंगे, जाके वहां पे अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए या उस फॉर्म को फिल आउट करके आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, बैंक स्टेटमेंट अपलोड कीजिए, ट्रैवल हिस्ट्री है तो अपलोड कीजिए, और जो आपको काम आता है उसकी नॉलेज है वो आप अपलोड कीजिए। देन आफ्टर $25 की फीस है जो गवर्नमेंट की फीस है, उसके अलावा जो अप्लाई करने वाले जो भी असिस्टेंस के लिए लेते होंगे वो अलग मैटर है, लेकिन $25 फीस है, वो अप्लाई करके आप डाल दीजिए और वेट कीजिए ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की कि आपको वीजा मिल जाए। इसे हम लक भी कह सकते हैं क्योंकि ये कोटा कैटेगरी है दोस्तों, 1000 ही वीजा मिलेंगे पिछले पूरे एक साल में, लेकिन किसको मिलेंगे ये हम नहीं कह सकते।
इसीलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, जो लोग ऑस्ट्रेलिया में हॉलीडे वर्क वीजा पर अप्लाई करना चाहते हैं वो थोड़ी जल्दी करना, क्योंकि जितना लेट करोगे उतना लेट होगा। फाइल्स आपको को डालनी है, आप कैसे डालनी है उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे हमारी सीला टीम के साथ। जय हिंद।